Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और थोड़ी देर के लिए किचन में तशरीफ ले आइए, इसलिए कि हमारी सामिया जी ने हमें जो खुशखबरी दी है उसके मुताबिक मतलब आप दोबारा से क्या करूं, खाना जिंदगी, खानगी जिंदगी जो है उसमें है सामिया? नहीं, मुझे आपकी तो पेशी में गलत नसीब का इंतजार है, और जो अगर मुझे देख रहा है तो ये पराठे खाने के लिए ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, घर वाला पराठे खाए, घर वाली में पराठे पकाने का तो मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ साफ साफ। नो, आप करेंगी खिदमत, ये आपका जायचा बताता है, बड़ा पैम्पर करने वाली है अपने रिश्तों को। बात सुनिए, हिना दिलपज़ीर के हाथ के पराठे इस बुढ़ापे में अब मैं किसी की खिदमत नहीं कर सकती। अच्छा नहीं, वैसे आप प्लीज क्या करना है, पराठा बनाना है? पराठा बनाऊं? आग जली भी है? कितने बनाए हैं वैसे आज तक? कितने बनाने? अरे लो, दिन रात पराठे। अच्छा, और आखिरी पराठा कब बनाया था? आखिरी पराठा बनाया था मैंने आने से पहले, यहाँ पर अपने कहना चाहिए जब मैं कराची से यहाँ आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अभी सुबह बना के आएंगे पराठा। नहीं, कराची यहाँ तशरीफ लाने से पहले। अच्छा हिना जी, कुछ गुनगुना किचन, किचन एक होती है बाथरूम सिंगिंग होती है ख्वातीन की, किचन सिंगिंग जब आप अच्छे मूड में किसी के लिए खाना बना रहे होते हैं और किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और मूड भी अच्छा होता है तो कोई भी बंदा गुनगुनाता है ना कोई? हाँ, वो भी मूड से होता है ना, ऐसी ऐसे थोड़ी हो जाता है। इतनी खुशखबरी वो दे रही है आपको सामिया, इंशाल्लाह समथिंग कुछ सुनाइएगा। अच्छा जल्दी, वैसे मुझे ही बताएं सामिया जी जी, आप वाकई इतनी एक्साइटेड क्यों हैं इस बात को लेकर? मुझे अच्छा लगता है जो लोग जो डिजर्व करते हैं रिश्ते के, आप जितनी आपके अंदर वफा है, जितनी आप मेरे जिंदगी में बहुत प्यारे रिश्ते हैं जिनके लिए पराठे बना के मुझे बड़ी खुशी होती है। सही, अरे को गुनगुनाएंगी हिना जी? गुनगुनाए मेरे साथ कोई, मुझे कोई बताए आपका फेवरेट। ये आप पकड़े जरा भाई, इसका ये शॉर्टकट है। ओ गुड, ये मेरे घर की टिप है, मैं हमेशा इसे ऐसे फंसा देती हूं। पराठे बनाती हैं आप? अरे सारा कुछ सब बनाती हूं। सुना है कड़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूं। कौन, परा? अरे वाह भाई, बना देती हूं। अच्छी की किसी चीज की शर्त नहीं है, एक मुझे बन सारा कुछ जाएगा। छुरी चाहिए है? छुरी चाहिए? पराठे में छुरी चाहिए? हाँ, छुरी ला के दे भी जल्दी से। अच्छा वाकई, ये कोई खास किस्म का पराठा बनने लगा? ये एक बहुत मजेदार और खूबसूरत पराठा होता है और बहुत जल्दी बनता है। वेरी गुड, तो क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती है ना, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पर फोन जा रहा है। तो हिना जी, कराची से आते जो पराठा बना था वो किस खुश बेटे के लिए? जी हाँ, वो बेटे ने खाया था मेरे। और आप खुद भी शौकीन है? खाने की तो इतनी नहीं, मतलब बनाने की, कम हो और अच्छा हो। ठीक है। अच्छा हिना जी, सासू माँ कैसी है वैसे आप? ये तो आप बहू से पूछें। नहीं, कुछ आप भी तो अपनी तारीफ शान बयान करें ना, कि मतलब आप सख्त हैं। कहते हैं जो अकेली माएं होती हैं ना, बड़ी सख्त गिर सासें बनती हैं। मुझसे भी अक्सर लोग कह रहे होते हैं आप तो बड़ी जालिम सास होंगी। मैंने कहा भाई होने तो दो, हाँ देखेंगे। मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि, अच्छा बहू के लिए आप पूछ रही थी ना? हाँ जी। तो मुझे पहले जब मेरा बेटा था, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो मुझे लगता था कि मेरा एक बेटा है, तो अब मुझे लगता है ट्विन्स हैं। दो बच्चे में बहू भी बेटा ही लगती है आपको? वो एक बहुत ही मजेदार बच्चा है। अच्छा देने? अच्छा, उन्होंने कांटे से ही काम चला लिया है ना जी। सामे की कम से कम एक बात जो है वो बिल्कुल सही है, इंतहाई सुगरापा जो है वो तो हमें नजर आ रहा है। वो असल में वक्त की वजह से आ गया, वरना इतना होता नहीं है। आपने इसको ऐसे रोल कर देना है। ठीक है जी। हाँ, वो जो आपने लच्छेदार पराठे का नाम सुना होगा, हाँ, तो ये हैं वो लच्छेदार पराठे जैसे आप खाने जाते हैं, और इसके एक एक बल अलग होता है। वाह, ये आपने कब से सीखा हुआ है ये सारा कुछ? वो सारे सीक्रेट्स नहीं बता सकती। अच्छा हिना जी, अक्सर ख्वातीन जो है ना, वो ख्वातीन के बारे में बड़ी क्रूअल राय रखती है, यार कुछ तो मतलब मसला होता है ना, जब भी तो सारा कुछ होता है, हम तो बहुत, लेकिन ना अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी जाती है। यू एग्री विद दैट? जी देखें, छुरी नहीं थी तो कांटे से काम चल गया। नहीं, मैं जिंदगी की बात कर रही हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रही हूँ कि निभाना चलाना, इज दिस द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन?
नहीं नहीं एक औरत को ही नहीं, ये करना नहीं, नहीं, चाहिए। देखिए ये सारे वही तो मैं कहती हूँ जेंडर्स में बांट के, तुमने ये करना तुमने ये, जिंदगी को मिलके खूबसूरत बनाया जाता है। बिल्कुल सही। वैसे नहीं बनाया जा सकता, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक सब लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। वाह यार, लच्छे वाले पराठे की इतनी जबरदस्त रेसिपी आपने पहले देखी है? इतनी आसान से मैंने नहीं देखी, फर्स्ट टाइम। मैंने भी फर्स्ट टाइम। और जब ये बन जाएगा तो बहुत मजे का बनता है इसकी बात सारी ये। अच्छा, वेरी गुड। और हिना जी क्या वो ऑयल प्रेफर करती हैं पराठे के लिए? देसी घी में बनना चाहिए इसको? देसी घी में बनना चाहिए पराठा। अच्छा, लेकिन घी देसी ही हो। कौन सी जिंदगी का फेज आपका जो है आप समझती हैं सबसे बेहतरीन है? हमेशा प्रेजेंट बेहतरीन होता है, जिसमें आप जिंदा होते हैं। क्योंकि फराजी ये प्रेजेंट होता है, यही अल्लाह का प्रेजेंट है। क्योंकि वो बीत गया, वो चला गया, आने वाले पे इख्तियार नहीं है। वाह, वो गुजर जाता है, इसका ही ख्याल रखना चाहिए। जिस लम्हे में जिंदा है उसको जी लें उसके तकाजों के साथ। जितना अच्छा आपने पराठा बनाया, आपको किसी के हाथ का तो पसंद नहीं आता होगा। हाँ, ये जरा मेरी एक प्रॉब्लम है, ये बुराई है मेरे अंदर, है ना? फिर आप तो अपने हाथ का ही आप खा के आपको चैन आता होगा कि यार ये होता है पराठा। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ पराठा क्या होता है। जैसे तो, मुझे लगता है कोई कहते हैं मैं आपको ये बना दूं तो मेरे पहले अंदर से वो आती है बात, ये नहीं सही बना। अच्छा, तो बहू को फिर आप मतलब काम काज में इंटरफेयर करती है कि ये देखो ये ऐसे करना होता है और ये चीज ऐसे होगी और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये मामला ऐसे होना चाहिए? 18 साल की तो थी जब उसकी शादी हुई थी। हाँ। तो अभी तो वो ए लेवल्स के एग्जाम दे रही है, तो उसको मैं क्या कहूँ कि तुम पराठा बनाओ। अच्छा, तो पराठा फिर आप ही बनाती हैं? हाँ, दोनों बच्चों के लिए। क्या बात है, इतनी जल्दी बेटे की शादी करने की क्या जरूरत थी? बेटे की शादी करनी इसको थोड़ा जल्दी कर देनी चाहिए क्या? नहीं, देखो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। दोस्ती हम दोनों की बहुत थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। बच्ची ऊपर रहती थी, ये नीचे रहते थे हम। तो बस फिर ये हुआ कि आपने कहा चलो साथ साथ ही रह लेते हैं, ऊपर नीचे जो रहना है। हिना जी, आपने नहीं कहा मेरी पसंद से शादी होगी, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम की है, तुम्हें पाला है। इस किस्म की फजूल बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा ना, और मेरा बेटा जो है वो उससे कभी मैं ये हिसाब नहीं लूंगी। अपनी महरूमियों का या अपनी कुर्बानियों का सिला उससे नहीं मांगी, कभी भी नहीं। और कुर्बानियां कैसी, मेरी ड्यूटी थी। हाँ, वाह, गुड। बल वाले पराठे के सारे बल जो है वो नजर आ रहे हैं और इसका ना? नाम, हाँ, इसका नाम हम रखेंगे क्या? दिल पजीरी पराठा जो है ये आप आज ही बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। एंड लेट्स टेक हिना जी, अब हमने ब्रेक लेनी है। हाँ, आपके एक फरमाइश करेंगे सिर्फ। हाँ, मोमो स्टाइल में ब्रेक ले लें। हाँ, हाँ, मोमो स्टाइल की ब्रेक जो है वो आप लेंगी। कौन सा कैमरा? चलो सारे ब्रेक लो जाके, हैं अभी आते हम। ये देखें आप कितने क्या क्या फरमाइशें हैं भाई, फरमाइश लिस्ट, सॉन्ग, डायलॉग। अच्छा, आर्टिस्ट को तो आप समझते हैं कि वो ना कोई वो है रोबोट। तो चलो वो चलना शुरू कर दे, उसको रुक जाओ, वो रुक जाए ना। बेटा ऐसी गायब होंगी ना मैं, बच्चों तुम लोगों को पता चल जाए। अच्छा, महमूद साहब कौन बनेगा? नहीं, मैं नहीं, महमूद साहब अच्छे खासे हैंडसम बड़े से आदमी हैं, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं। अब इनमें से किसी को महमूद बनाएंगी तो मैं तो फिर रोने लगूंगी ना। सही। अच्छा सर, इनकी एक फरमाइश पूरी बताइए। अच्छा, सॉन्ग के अलावा डायलॉग कौन से? मोमो का डायलॉग? मोमो का डायलॉग तुझे बड़ा सकीना दिल चाह रहा है ना कि मोमो के डायलॉग तुझे सुनाऊं। देख ली, सुना दिया उन्होंने आपको मोमो का डायलॉग। मैं मुझसे आपको आवाज दे दें जी, मसूद। इतना इंडिजिनस कैरेक्टर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत जमाने बाद आया है हिना दिलपजीर साहिबा।
जो अपना खालिस यहाँ का पैदावार है, वरना उधार मांगे हुए कैरेक्टर होते हैं हाँ हमारे सारे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. और जाते जाते कुछ तेज सवाल आपसे कर लूं जी. एक सांस के बगैर जवाब देना फन जो जहन में है. अब क्या होता है पता नहीं. योर फेवरेट एक्टर यहाँ का या वहाँ का? कहीं का. एंथनी क्वीन. एंड खवातीन में? खवातीन तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब वो सभी जो बोर्ड लगे थे वो सब. अच्छा, लेकिन खालदा रियासत मुझे बहुत पसंद. अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छी क्या बात. अच्छा, किसी जमान ड्रामे में अगर सियासी कोई खातून का किरदार अदा करने की चॉइस आपको मिले तो किसका करेंगे? कौन सी सियासी रहनुमा का कैरेक्टर? ये डिपेंड करता है कि किसका करवाना है तो उस पे ही काम होगा. हम अगर एक कोई आपके अंदर जो कभी कोई इंस्पिरेशन बनी हो सियासी खातून. वो जो थी ना एक खातून, उनका नाम, मैं इतनी ज्यादा सियासी लोगों को जानती नहीं हूँ. हाँ. तो बस वो एक खातून है उनका. फिरदौस आशिक एवान साहिबा है ना? Am I right? You are absolutely right. Okay, great. कोई रोल जो करने की ख्वाहिश बाकी हो क्या? ये करना है अभी भी? हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बम ब्लास्टर का खुद कुछ हमलावर. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, कभी प्लान किया है कोई कि इंडस्ट्री में कब तक काम करना है, क्या क्या करना है, डायरेक्शन करनी है नहीं करनी? भाई आने का कोई प्लान नहीं था तो जाने का मेरे हाथ में कैसे होगा. जब तक टाइम है कर लेंगे, नहीं है तो चले जाएंगे. बिल्कुल. वंडरफुल टू हैव यू. थैंक यू. यू आर एन अमेजिंग पर्सन. हमेशा आपसे मिलना, जिस शख्सियत को देख के ना लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, उससे ज्यादा कमाल शख्सियत और कोई हो नहीं सकती. एंड यू आर वन सच पर्सन. आई लव यू. आई लव यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच. मैं चाहूंगी कि जाते जाते आपकी एक खूबसूरत शायरी के साथ हम आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करें. अपना ख्याल रखिएगा. कोई एक लुटती रहेगी दौलत दिल, बिसाते इश्क पे लुटती रहेगी दौलत दिल, रहेगा सूदो ज़ियां का सवाल अपनी जगह. Like the